तो गाइज आज इस वीडियो में हीरो ऑप्टिमा एचएक्स के फंक्शंस को देखेंगे, समझेंगे उसके डिस्प्ले को, उसके बाद देखेंगे इसके बॉडी के पार्ट्स को, और उसके बाद देखेंगे इसकी चार्जिंग कैपेसिटी को कि फ़ोन को कितना बार चार्ज कर सकता है। उसके बाद लाइव टेस्ट करेंगे डुअल लोड के साथ और सिंगल लोड के साथ इसकी स्पीड को। तो सबसे पहले फ्रंट में आपको देखने को मिलता है एक बड़ी सी LED हेडलाइट, 8 इंच की एक बड़ी सी डिस्प्ले, और उसके बाद लेफ्ट साइड की बात करें तो आपको पास लाइट का स्विच, हॉर्न स्विच और इंडिकेटर स्विच देखने को मिलता है। राइट साइड की बात करें तो इसमें आप हेडलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं और USB चार्जिंग पोर्ट, और उसका नीचे की साइड में आपको हेलमेट हुक, एक छोटी सी पॉकेट, और उसके बाद आगे की बात करें तो फ्रंट साइड में अलॉय व्हील के साथ डुअल शॉकर है और ट्यूबलेस टायर। पीछे की बात करें तो आपको यहाँ पे डुअल शॉकर देखने को मिलता है, यानी कि दोनों साइड शॉकर, और चक्के के अंदर रहेगा मोटर। और बॉडी की बात करें तो यहाँ पे आपको 3D ब्रांडिंग देखने को मिलती है ऑप्टिमा एचएक्स की। पीछे के साइड में आपको स्टॉप लाइट और इंडिकेटर लाइट देखने को मिलता है, साथ में एक गार्ड। डिस्प्ले की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलता है एक बड़ा सा स्पीडोमीटर, उसके ठीक लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है बैटरी वोल्टेज इंडिकेटर, और उसके नीचे देखने को मिलता है टोटल ट्रिप विजिटेड का। उसके अलावा इन दोनों के बीच में देखने को मिलता है आपको छोटी छोटी 4-5 और इंडिकेटर, जिसमें बैटरी MPT इंडिकेटर्स और आपको पास लाइट देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं फुल बॉडी मैंने चेक किया, सभी के सभी प्लास्टिक के थे, कुछ हार्ड कुछ सॉफ्ट, बट थे पूरे के पूरे प्लास्टिक। चार्जिंग की बात करें तो गाड़ी में आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग सिस्टम मिलती है, जिसमें कि आप एक 4000 mAh की बैटरी को लगभग 35 टाइम्स तक चार्ज कर सकते हैं, और क्योंकि बैटरी इसमें दो हैं तो आप इसे लगभग 70 बार चार्ज कर सकते हैं अगर आप सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग करें तो। जैसा कि आप देख सकते हैं जब हमने डबल लोड पर गाड़ी को टेस्ट किया तो इसकी टॉप स्पीड लगभग 53-54 के अप्रॉक्स जा रही थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं जब हमने गाड़ी को सिंगल पे टेस्ट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पीडोमीटर में 57 का स्पीड को हमने टच कर लिया था।